हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉलो योर पैशन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ठंडी ठंडी स्मूदीज। तो आज हम बनाएंगे तीन तरह की स्मूदीज। सबसे पहले होगी फ्रूट पंच स्मूदी, उसके बाद वर्जिन मोहितो, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा पैसे देके मार्केट से लेते हैं लेकिन ये बहुत ही इजीली घर पे बन सकती है, और थर्ड कोल्ड कॉफी, जो बहुत ही इजीली हम घर पे बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट पंच स्मूदी। इसको आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फाइबर, प्रोटीन, एनरिच डाइट होगी। तो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने लिया है एक पूरा एप्पल, जिसमें हमें बहुत सारा फाइबर मिलता है, एक पूरा बनाना जो पोटेशियम का बहुत बड़ा सोर्स है, और इसमें फील गुड हार्मोन भी होता है। यहाँ पर मैंने लिया है स्किम्ड मिल्क, अमूल स्किम्ड मिल्क। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल मिल्क छोड़कर स्किम्ड मिल्क पे जा चुके हैं। ये थोड़ा महंगा होता है लेकिन इफ यू आर बाइंग योर डाइट और हेल्थ देन नथिंग इज गुड देन दैट। यहाँ पर मैंने लिया है कोको टॉपिंग, जिसको आप चॉकलेट सॉस भी बोल सकते हैं, कुछ एलमंड्स, बादाम, कुछ फ्लेक्स सीड्स जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, डेकोरेशन के लिए फिर से कटे बादाम, और ये है योगर्ट्स जो डिफरेंट फ्लेवर्स में मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, शुगरलेस होते हैं और इससे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये जरूर खाना चाहिए एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एप्पल, उसके बाद बनाना, उसके बाद कोई भी स्मूदी बनानी है तो हमें बेस चाहिए होता है, लिक्विड बेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, उसके बाद एलमंड्स, फ्लेक्स सीड्स और थोड़ी सी कोको टॉपिंग। तो हमें ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें डालेंगे योगर्ट, या आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ बर्फ, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद इसको हम करेंगे ब्लेंड 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 ब्लेंड। ये हमारी फ्रूट स्मूदी बिल्कुल बनकर तैयार है। सबसे पहले हम गार्निश करेंगे अपने मग को या ग्लास को चोको टॉपिंग के साथ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्मूदी। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ऊपर से कटे हुए बादाम, और लीजिए विद इन 5 मिनट्स ये स्मूदी बिल्कुल बनके तैयार है। ये मैंने बनाई है स्मूदी अपने स्पेशल वन के लिए। आप भी जाइए और बनाइए अपने स्पेशल वन के लिए। बनाएंगे कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफी पाउडर, और अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो प्लीज डोंट यूज शुगर, रादर देन शुगर यूज हनी ऑलवेज। तो मैंने यहाँ पर लिया है शहद का 1 चम्मच, स्किम्ड मिल्क, चोको टॉपिंग, और यहाँ पर मैंने लिया है कैरामल टॉपिंग। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे अपना लिक्विड बेस, जो यहाँ पर है हमारा मिल्क, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कॉफी। थोड़ा सा मैंने रख लिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए। इसके बाद हनी, इसके बाद थोड़ी सी कोको टॉपिंग, बिल्कुल थोड़ी सी, इसके बाद कैरामल टॉपिंग। हमें इन सबको ब्लेंड करना है। मैंने एक स्पून की हेल्प से अपने मग को अच्छे से कॉफी टॉपिंग के साथ डेकोरेट कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी कोल्ड कॉफी। कई लोग इसमें आइसक्रीम डाल के भी खाते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आइसक्रीम डाल लें। और ऊपर से मैंने इसको डेकोरेट करा है कॉफी पाउडर के साथ, और लीजिए 2 मिनट्स के अंदर आपकी कोल्ड कॉफी बनके बिल्कुल रेडी है।
अब हम चलते हैं अपनी तीसरे ड्रिंक की तरफ जिसका नाम है वर्जिन मोइतो। इसके स्पेलिंग्स होते हैं मोजितो, लेकिन बोलने में जे साइलेंट हो जाता है और हमें इसको बोलना चाहिए मोइतो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है वर्जिन मोइतो सिरप। ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सोडा बॉटल, आपको एक गिलास सोडा चाहिए। यहाँ पर ये हैं कुछ फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, मिंट लीव्स, हाफ लेमन, लेमन निचोड़ने के लिए, और यहाँ पे ये इजीली हर घर में होता है कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि हम मिंट लीव्स को क्रश करेंगे जो भी जार या ग्लास जिसमें आप बनाएंगे, और बर्फ। मिंट लीव्स को एक क्रशर से क्रश कर लेंगे। पर मैंने एक बड़ा चम्मच मॉर्निन सिरप का लिया है। इसके अंदर क्या होता है, मेंथॉल, मिंट्स, इन सब का फ्लेवर होता है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही स्वाद इससे आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक फुल लेमन, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बर्फ, क्रश करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पुदीने की पत्तियां जो हमने क्रश कर दी हैं, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे सोडा। वाओ, जस्ट लुक एट इट, इट्स वेरी वेरी टेम्पटिंग। तो बस ये हमारा वर्जिन मोजितो बनके बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, शेक वे। अब हमारी तीनों ड्रिंक्स बनके तैयार हैं, फ्रूट पंच स्मूदी, कोल्ड कॉफी और वर्जिन मोइतो। अब मैं इन सबको टेस्ट करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा बना है, जो एप्पल का मुंह में बिल्कुल पीसेस आ रहे हैं छोटे छोटे, वो बहुत अच्छा है। और प्लीज एप्पल के छिलके कभी मत उतारा करें, उसके स्किन रिमूव करके लोग देते हैं तो फाइबर कहाँ से मिलेगा, नेवर डू दैट। ये है कोल्ड कॉफी, सुपर सुपर चिल, और ये बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसको चिल सर्व करेंगे। और ये हमारा वर्जिन मोइतो, परफेक्ट एनर्जी ड्रिंक। खाने के बाद आप इसको पिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।